श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद बुर्के को बैन कर दिया गया और यही मांग जो है वो शिवसेना जो है हिंदुस्तान के लिए भी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं और शिवसेना के सीनियर लीडर हैं। संजय साहब, क्या आप लोग पूरी डिमांड करते हैं? मांग नहीं है, ये एक भूमिका रही है हमेशा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक निर्णय लिया आतंकी हमले के बाद, तो इस प्रकार से खतरा जहां जहां पैदा हुआ है वहां इस प्रकार की निर्णय लिया है कि बुर्का बैन हो या चेहरा जो आप ढक कर घूमते हैं उसका ऊपर बैन हो। ये फ्रांस में हुआ है, ये कनाडा में हुआ है, ये और भी जगह पे हुआ है, कल श्रीलंका में हुआ। तो ये हिंदुस्तान में हमेशा ये मांग, सिर्फ मैं मानता हूँ ये धार्मिक या पॉलिटिकल नहीं है, और मैं तो मानता हूँ कि बहुत से मुस्लिम महिलाएं भी बुर्का से मुक्ति चाहती है, जैसे ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया, तो उसके लिए वो मोदी जी की बहुत तारीफ हो रही है। तो इस देश में ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, जिसे जबरन बुर्का में रखा जाता है, तो उसको निकालने की भी एक परंपरा हमें शुरू करनी चाहिए। ऑफकोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला अब सामने आया है, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, भूमिका रही हमारी। दोस्तों, आप इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि श्रीलंका और भारत में बहुत फर्क है और ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए, श्रीलंका भारत में फर्क नहीं है, आतंकी हमला या आतंकी हमला होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। कश्मीर में क्या है, फिर कश्मीर और भारत में क्या फर्क है? क्या